नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं लखनोट गांव में, बिल्कुल खुठेड़ा पंचायत का ये गांव है। और यहां पे आज आगजनी की घटना एक सामने आई है, जहां पे दो स्लेट पोस्ट जो गौशालाएं थी वो जलकर राख हो चुकी हैं। अभी अब बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आपको लाइव रिपोर्टिंग यहाँ से दे रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरह से आग लगी, हम जाने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल यहाँ पे जो अब थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप अंदर का ये दृश्य दिखाएं, पूरा जलकर राख है। स्थानीय जो लोग हैं और जो जी जो स्थानीय लोग हैं, इन्होंने बड़ी मुशक्कत के साथ, और यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी पहुँच चुकी है। तो हालात इस तरह के हैं कि अभी आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन जो इसमें जो जितना मटेरियल था, इसके बारे में जानेंगे कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है, क्योंकि विभाग यहाँ पे पहुँच चुका है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। अब लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कितना कर यहाँ पे नुकसान हुआ है। और बिल्कुल यहाँ पे जी लोगों ने बड़ी मुश्किल से अंदर से पूरा जो जितना भी घास वगैरह था या उनका सामान था वो जल के राख हो चुका है। जी मैं चाहूँगा आप यहाँ पे आ जाएं। और ये आग कितनी भयंकर लगी है, हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं। लखनोट धार पे बिल्कुल सामने आप देख पा रहे होंगे कि कितनी भयंकर एक आग लगी है। लोगों से भी हमारी एक निवेदन रहेगा, गर्मियों के दिनों में कम से कम आप कहीं पे आग लगाते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इस आग को साथ में बुझा दें या फिर आग ना लगाएं, क्योंकि आजकल गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही एक भयंकर रूप यहाँ पे ले चुकी है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आप मैं चाहूँगा कि आप चारों तरफ आग ही आग यहाँ पे आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जी, कौन है इनके, वो हम बात करवाएंगे आपकी जी। कुछ मम्मी अब जानने की कोशिश करेंगे कितना नुकसान इनका हुआ है। अभी जो फॉरेस्ट विभाग की टीम्स है यहाँ पे, जो फॉरेस्ट की टीम है और फायर ब्रिगेड की टीम है, वो यहाँ पे आ चुके हैं, मौजूद हैं मौके पे। हम आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप ऊपर आ जाएं। जी जी कैसे हुआ ये सारा भैया? नीचे के लगाए आग जी, दलारिया वाले लगाए नीचे के अपने रूटे गए आग, ये नहीं ना संभाल दी गंदे खिले, हर साल फूका है मेरे आग उड्डा सारा, अब किसा था हुई है गया बड़ा बड़ा नुकसान, इन आओ 4-5 साल लगांदे छी है सात। मतलब तू सा पता कुने आग लगाई? मुझे ये पता नहीं हूं, कोसर रखवा क्या पता कुने जे लगाई, पर लगाई आग ने तीन कोठेगारे तीन उसका क्या इतना नुकसान तू सारा, मतलब कितना नुकसान हुई है? मेरी घराला ही 3000 पूला मेरे घर आ, बाकी और मेरे तालड़ियां 12-14-24-25 स्लीपर था अंदर, और लिया भी तू नहीं रे लो यार जेड़े थे जितने 50-60 हुंदा बल्कि स्लीपर भी आंती जो के जी इन गलहरी में वो ये पूछ लिया बनी सारे फुखिए मेरे दो घराला रे, बाकी दो घराला फुखिए मेरी। कोई पशु धन का कोई नुकसान आपको? पशु येड़ा बचाई थे आसिया, पशु बचाई ले? हां जी पशु बचाई थे, एड़ा झूठ ग्रोह वाले आई है ये बचाई थे बेचारीये, कने और भैया और ज्यादा नहीं जान नहीं बोल दी, कने कने स्लीपर तो बनी थी थे कि 40 थे भाई 30-40 स्लीपर, बाकी घास कितना करोना? घास 1000 पूला की तालड़ियां था, एक सांजे जा रहे थे पूरा फुखिया पा 3000 घास, 3000 घास फुखिया मेरा, 4 पशु मेरे मुश्किल बच्चे जी, बड़ी मुश्किल लगने बच्चे भाई ने बचा रहे, बड़ी मुश्किल लगने बचाई है जी। क्या बोलना चाहिए सरकार है, बोल मेरा मुआवजा दे या तो इन्हें दुआओ या भाई ते मेरे मौका खेरी जाओ इन्हें दुआओ, बेरोजगार मी जो ज्यादा भी नहीं फिर ये नहीं आंदे, कोई लोग बड़े बड़े डड्डे आंदे नहीं पार्ले लोग, कोई नहीं आंदे बुराने नहीं आंदे, मैं कली जनाने मानू मेरी नूह चले गए सियानी मानू तुझे दिखी ले बोली दिया बस। पता काली लगे क्या लगे पता मतलब पता लगी है मुझे 10:30 पौने 11 आग लाई त्रीबु ना गया फिर ये थी कल ही ना जापनिया लेके नहीं थी, पर मुझे एड़ी समझ नहीं लगो भाई आऊं करू तो करू आंडी रही सारे टुकड़े, मुझे बुखार आ रहा बेबसा बुखार आ रहा, फिर गई आऊं डड दी भी रही कने घर आ गई आधा जे फुलका खा दे, मैं फिर शेरडोन खा दी था फिर भी दौड़ी कने पुठी पोई थी चक्कर पर, एक जनाने आई मेरी चाची बेचारी है चक्करी आऊं इथे कने वो मेरी गाय खोली बस इतना बोलना चाहिए सरकार मेरी हेल्प करो कहीं ना मुआवजा दो आओ या नगे कुछ भी करो ना सजा दो कुछ भी करो बस। जी जी बड़ा जाओ आप बड़ा काम चलाओ ना।
बिल्कुल जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन तरह का इनका नुकसान यहाँ पे हुआ है। काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ महिलाएं हैं जो आके मशक्कत करने के बाद, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा ऊपर आए, थोड़ा सा पूछते हैं इनसे भी। जी कब से आप लोग, तुझे कल ये लग रहा है आग बुझाना? कितने 12 बजे के लग, 12 बजे के लग रहे बुझाना? पूरे गांव वाले मतलब? हाँ जी हाँ जी, पूरे गांव, चार गांव के आदमी आए हैं। चार गांव के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गोट फुकी बच्चे गाइये फुकी गाइये मैं तब घटी थी ना बेचारी। हाँ बुरा काम था, गोट दो गोट फुकी कने बड़ भारी नुकसान होया। किसने घोड़े बछाड़ा चटने एक बे लग गया भैया कने इं बेरोज एक गड्डी रे ठेंपले चला आऊं कल नहीं मेरा इतना 5-7 हजार 6 हजार में जो कुल पेन थड़ी इतना के ऊपर मेरा किस नहीं है भाई। मां अपने बच्चे खाना की आपू खाना इतना के बस भाई। घर बच्चे बड़े मुश्किल घर घर बिल्कुल। जी बहुत एक बड़ी घटना इस टाइम सामने आ रही है लखनोट गांव से। हम एक बार फिर बताना चाहेंगे, यहाँ पे दो स्लेट पोस्ट गौशालाएं थी वो जल के राख हो चुके हैं, जिनके अंदर रखा हुआ सामान जो है जो जल चुका है, घास जैसे इन्होंने बताया, और कुछ लकड़ी थी, कीमती लकड़ी थी। अभी जो हमारा इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि स्थानीय लोगों ने, चार गांव के लोगों ने इस आग को बुझाने में काफी मुशक्कत करने के बाद अभी आग में काबू पा लिया है। लेकिन जो विभाग है, जो अग्नि शक्ति विभाग है, इस टाइम फॉर जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वो भी आ चुके हैं। हम आप चाहेंगे कि थोड़ा सा एक घर के और चले, आप इनका घर भी थोड़ा दिखाएं। देखिए गर्मियों का मौसम है, हमारी सभी क्षेत्रवासियों से एक निवेदन है, विनती है कि आजकल आप कहीं भी आग ना लगाएं, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ही बड़ा एक प्रकरण बन जाता है। एक बहुत बड़ी घटना अभी आपके सामने नजर आ रही है, और इतनी बड़ी घटना घटी है आपके क्षेत्र में, देख सकते हैं घर भी थोड़ा सा रह गया, घर के नीचे नीचे तक ये आग आ चुकी है। और बहुत सारे स्थानीय लोग जिन्होंने यहाँ पे आके इस आग पर काबू पाया है, काफी सारे लोग हैं, हम मौजूद हैं इस टाइम मौके पे। और पूछेंगे, पूछना चाहेंगे, यहाँ पे भी आग लगी थी क्या? ये नहीं, आग यहीं तक पहुंची है, घर के पास तक आ गई थी आग यहाँ पे। अच्छा, घर के पास आ गई है। हाँ जी। तो आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस आग को बुझाया, क्या कुछ कहना चाहते हैं लोगों को जो इस तरह से आग लगाते हैं आजकल? इस बारे में तो ये कहना चाहते हैं कि वन विभाग को इसमें थोड़ी जो है नजर रखनी चाहिए इन लोगों के ऊपर, उनके अगेंस्ट जो एक्शन लेना चाहिए कोई ना कोई। जी, क्योंकि ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हादसा हो सकता है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि पूरी जितनी भी ये पूरी मुझे लगता है लखनोट धार है इसको जो बोलते हैं, पूरी इस टाइम आग युक्त हो चुकी है, पूरी चारों तरफ हम अग्नि देख पा रहे हैं। एक चीज और, आपने कहा कि जो टीमें हैं वो मौके पे भी मौजूद हैं, आई हुई है, तो ये आग पर काबू गांव वालों ने पाया या टीम ने आके कुछ आपकी हेल्प की है? नहीं, टीम ने आकर के भी हेल्प करी है, लेकिन टीम के आने के करीब 1-1.5 घंटा पहले से जो है गांव वाले इकट्ठे हो चुके थे यहां पे आग बुझाने के लिए। मतलब कार्य आप कर रहे थे? जी, बहुत ही बहादुरी का कार्य आप लोगों ने किया है, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप लोगों ने किसी का एक घर बचाया, और यहाँ पे दो गौशाला जो थे जिसमें रखा हुआ घास और जो कीमती लकड़ी थी वो कहीं ना कहीं दोनों ही बर्बाद हो गए हैं, लेकिन कहीं माल जान की अभी कोई ऐसा नुकसान नहीं है, जो इनका पशुधन था उसको बचा लिया गया है लोगों के प्रयास से। तो हम एक बार पुनः चाहेंगे जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, इस तरह से आग ना लगाएं, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को या किसका खामियाजा जो है वो भुगतना ना पड़े। अभी आप देखिए इनकी गलती क्या है इसमें, इनका गलती ये है कि इनका घर है और घर के नीचे आग लगी थी जो इनके जो गौशाला और घर तक पहुंच गई, सिर्फ इतनी इनकी यही गलती है। लेकिन जिसने आग लगाई होगी उसने तो ये सारा ही मुझे लगता है जंगल ही बर्बाद कर दिया। तो हमारा एक बार इसको गंभीरता से देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हम निवेदन करेंगे कि जिस तरह से कोई व्यक्ति जंगल में आग लगाता हुआ मिला उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की घटना आप आम जनता के साथ ना घट सके। एक बार मैं फिर चाहूंगा, पुनः चाहूंगा, हम इस टाइम लखनोट में हैं, और यहाँ पे ये आग जो लगी है वो किस टाइम लगी थी, किसी को कुछ पता हो आपको? 1-1.5 बजे के आसपास में लग गई आग। सुबह दिन को लगी है आग? 10:30-11 बजे दिन को आग लगी है। और इस ये समय तो ऐसा है जहाँ पे सभी लोग अपने काम को जाते हैं, जैसे घर में खेतों का काम चला है, तो इस वजह से ही देखा। लेकिन अगर ये आग रात को लगी होती है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घर वालों को भी खतरा था, और घर भी शायद
फिर मुश्किल ही बच पाता क्योंकि लोग नहीं आते हैं ना एक्चुअली में। जी दिन में ऐसा होता है, अभी सब लोग जो घर पे अवेलेबल थे सारे के सारे तीन चार गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। बिल्कुल, अगर रात को होता तो शायद इतना रात में नहीं आ पाते, नुकसान हो सकता था कुछ भी, वो रात में जो आग बुझाना भी मुश्किल हो जाता। जी तो मैं चाहूंगा आप लाइव स्ट्रीम को ज्यादा शेयर भी करें, और इस तरह की कोई भी घटना आपके सामने अगर हो रही है, हम देख रहे हैं आए दिन ये चीजें देखने को मिल रही है की यहाँ पे हमारे क्षेत्र में हिमाचल में ओवरऑल कहीं ना कहीं आगजनी की घटना हमें सामने आती है, तो हम एक बार फिर चाहेंगे प्रशासन से और विभाग से भी कि अपना कड़ा संज्ञान लेते हुए कोई व्यक्ति इस तरह का पाया जाता है जो जंगल में आग लगाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि धुलारी वाले आग लगाते हैं, लोग ये कह रहे हैं, स्थानीय लोगों का ये भी कहना है, आरोप है जो धुलारी के गांव वाले हैं उनके ऊपर आरोप है, सीधे तौर पे जिनकी गौशाला जली है उनका सीधा तौर पे आरोप है कि इन लोगों ने आग लगाई है, ये लोग जो है वो आग लगाते हैं, लेकिन हर साल इनका ऐसा है, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऊपर किसी का नुकसान हो सकता है तो ऐसा ना करें, आप देखें कि कहीं ऊपर वालों को खतरा हो सकता है, हो सके ये आग वापस जाए नीचे जंगल में तो आपको भी नुकसान कर सकती है, तो इस तरह की ना करें, और नेक्स्ट टाइम के लिए जरूर आप ध्यान दें ताकि आज ये नुकसान एक को हुआ है कल को किसी और को ना भरना पड़े। इस टाइम हम ग्राउंड जीरो से लखनऊ से हैं और अभी हम आपको बता रहे हैं, सीधी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप खबर खास टीवी के माध्यम से देख पा रहे होंगे, हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप आगे भी आएं, इनके घर तक जो एक दृश्य है इसको भी देखें। जी कहाँ तक लगी अम्मा जी, आगे कुछ तक लग रही भाई, मैं देख रही बेटा आगे लग रही, कुछ तक लग रही, ये लग रही है आप ऊपर देखा जो। जी हाँ, ये घर के पास जो है वो आग इस टाइम पहुंच चुकी है, बिल्कुल ये देखिए आप, बिल्कुल घर है और घर के साथ में इतनी बड़ी एक अग्निकांड जो यहाँ पे हो गया है, और कम से कम हम चाहते हैं कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा शेयर करें ताकि जो किसी ने गलती से एक आग लगाई और इसका खामियाजा एक परिवार को आज भुगतना पड़ रहा है, जिनकी दो स्लेट पोस्ट जो गौशाला है वो जल के राख हो चुकी है, घर भी इनका बाल बाल बचा है, लोगों ने बड़ी मुशक्कत के बाद यहाँ बचाया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे साथ में बिल्कुल घर ही है और बगल में ही आग जो है वो पहुंच चुकी है, कहीं ना कहीं अभी भी आग जल रही है, आपको इसके लाइव निशान जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, घर साथ में है और बिल्कुल आप दूसरी ओर देखें तो इनके पूरे पेड़ पौधे जितने भी इन्होंने अपने जो स्वीट्स के आम वगैरह के पेड़ थे वो सारे जल पड़े, तो हम ये चाहते हैं कि आप इस तरह से ना करें और विभाग जो जंगलात विभाग है उसको भी कड़े संज्ञान लेते हुए उनको भी यदि कोई ऐसी जंगल में आग लगाता हुआ पाया गया या किसी के बारे में जानकारी मिले तो कड़े कदम उठाए जाएं। बाकी आप लोगों से भी निवेदन है कि आग ना लगाएं, बेसिकली आग लगाने से नुकसान ही है, एक तो जंगल में जो पेड़ हैं वो सूख जाते हैं, दूसरा ये है कि जो जितने भी जंगली जीव हैं, चिड़ियां हैं, तोते हैं, जो भी है जितने भी प्रकार के पशु पक्षी हैं वो सभी आजकल अपने प्रवास के दौरान होते हैं, उनका नया दौर एक जीवन शुरू होता है, तो आप कृपया करके अगर उन्हें पानी नहीं दे सकते तो उनके लिए आग भी ना लगाएं। और घर बच चुका है, कहीं ना कहीं इस तरह की घटना हमें रोज देखने को मिलती है, कहीं किसी जंगल में आग लगी हुई है, कहीं किसी जंगल में, तो कहीं आज इतना बड़ा खामियाजा जो है इन लोगों ने भुगता है, तो हमारा एक बार पुनः ये निवेदन रहेगा कि इस तरह की आग ना लगाएं, कहीं भी नहीं लगाएं, अगर आप अपनी निजी संपत्ति पर भी कहीं कुछ जलाना चाहते हैं उसको भी आप खड़े होकर जलाएं जब तक आप वहां हैं, उसके बाद उस आग को बुझा दें यदि आप कुछ ऐसा करते भी हैं तो, अदरवाइज आग नहीं लगाएं, इसका खामियाजा आज आपके सामने किसी फैमिली ने भुगता है, उनके दो जो स्लेट पोस्ट पशुशालाएं थी गौशालाएं थी वो जल के राख हो चुकी है, घर भी उनका कहीं ना कहीं बाल बचा है। तो खबर खास के लिए मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।